जय हिंद साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राम चौधरी एग्जाम अपडेट चैनल पर। आपको आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे 2 दिन से, एंड 2 दिन पहले ही रेडियो ऑपरेटर से आंसर की आया था रिवाइज्ड, एंड उसके बाद का ही वीडियो आपने देख रखा होगा। आपके पूछे गए सवाल थे कि सर कैंसल एंड बोथ को लेकर के बड़ी ही दुविधा में है, क्योंकि अलग अलग जो सर हैं वो अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पर कि इसमें कैंसल एंड बोथ की सिस्टम में क्या होने वाला है? देखिएगा, अब तक मैं आपको अपनी सीधी सीधे मुद्दे की बात करता हूँ कि अब तक के रिकॉर्ड में जब से यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, वो 2021 का जेल बार्डर का क्यों ना हो, फायरमैन का, घुड़सवार का क्यों ना हो, या फिर मैं बात करता हूँ, आपको पता है कांस्टेबल की 2 बड़ी भर्तियाँ आई थी एंड दोनों के अंदर ही जो थे वो ये एग्ज़ाम हुआ था और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया था यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने, ये आप सबको पता होगा। अब आप किसी भी दुविधा में व्यक्तिगत अगर मुझे पूछें, आपको पता होगा, आप जैसे बात कर रहे हैं कि साहब जिस तरीके से उसमें आयोग का जिक्र किया गया है कि मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जो रिट दायर की गई थी उस मैटर में क्या हुआ था, एंड उस मैटर का हवाला दिया गया है आपके कैंसिल वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए, उसमें तो ये हुआ था कि साहब ये जो कैंसिल वाले थे उनको हटा दिया गया था, लेकिन यूपी पुलिस के मैटर में यूपी पुलिस जब जब एग्ज़ाम करवाती है तब तक आपने अब तक देख रखा होगा कि किसी भी भर्ती में ऐसा नहीं हुआ है कि क्वेश्चन को कैंसिल किया गया हो एंड उसका नंबर नहीं दिया गया हो। देखिए, जेल वार्डर, फायरमैन, घुड़सवार का जो भर्ती आया था उसमें भी पेपर जो थे वो क्वेश्चन जो थे वो उस पर लिखा रहा था निलिफाइड। क्या लिखा रहा था? निलिफाइड मतलब कैंसिल। ऐसी स्थिति में भी जो है पूरे नंबर दिए गए थे, ठीक है, जो हमारा स्कोर बन रहा था उसमें जो जो हमारे क्वेश्चंस जो नुलीफाइड उसमें दिए गए थे उनको जब हमने ऐड किया तो एग्जैक्टली हमारा फाइनली जो आंसर जो रिजल्ट आया था, जो आपका स्कोर कार्ड आता है उसमें एग्जैक्टली उतने ही नंबर आए थे। तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब समझते हैं, यूपी पुलिस के पेपर में सिविल पुलिस का जो हुआ था उसमें कैंसिल लिखा गया था, हमारे भी नुलीफाइड लिखा गया था, नए नए शब्द हैं, इस बार भी देखो कैंसिल लिखा रहा है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि आपको, अगर मैं अपने इस भर्ती बोर्ड के ट्रैक को देखते हुए अगर मैं बात करता हूँ तो आप पूरी तरीके से संतुष्ट रहें, बाकी जो भी जैसा भी होगा वो आप भी बेहतर देख पाएंगे, जान पाएंगे। आपने मुझे पूछा तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ। देखिए, अब तक देखा जाए तो यूपी पुलिस में कैंसल्ड के क्वेश्चन के जो नंबर हैं उनको ऐड किया जाता है। बेसिकली देखिएगा, अगर मैं रियल बताता हूँ, बहुत ज़्यादा विद्यार्थी जिनसे मेरा पर्सनली बात हुआ था और उनके कमेंट का भी मैंने जवाब दिया था, वो खुद इस बात को बोल रहे थे कि सर देखिएगा, कैंसल्ड का नंबर जो है वो मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो जो है हम अपनी कार्रवाई आगे से करेंगे। अब क्योंकि देखो, आपका जो आंसर जो रिज़ल्ट आने वाला है, संभवतः आप देख पाएंगे कि आपके लिए जो कैंसिल क्वेश्चन है उसके नंबर आपके स्कोर कार्ड में ऐड होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अब एक बात बताएं, भर्ती बोर्ड वही है, वही पैटर्न है, वही सब कुछ है। यस ना, UPSI की भी बात कर लीजिए साहब, UPSI, तो अब सीधी सीधी बात है, UPSI हो, कांस्टेबल हो या फायरमैन, घुड़सवार हो, सभी में सेम पैटर्न रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रेडियो ऑपरेटर के लिए अलग से कोई जो वो नियमावली निकाल दी जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। कैंसिल में आपकी कोई गलती है ही नहीं। सोचिए, मान लीजिएगा कोई मैथ का क्वेश्चन अगर वो कैंसिल किया गया है तो क्या आपका उसमें आपका समय नहीं लगा होगा? अगर वो कैंसिल हटा नहीं है, अब सोचिएगा हटा नहीं है तो सीधी सीधी बात है आपका टाइम भी ख़राब हुआ, आपने उसमें पूरा दिमाग लगाया और उसके बाद पता चला कि ये क्वेश्चन ऊपर से ही गलत आया है। तो इसमें गलती बच्चों की तो बिल्कुल है ही नहीं। तो आप ये कैसे आप जो है जस्टिफाई करेंगे कि ये गलती अगर बच्चे की नहीं है और हम जो है वो नंबर भी नहीं दे रहे साहब? यानी गलती भी जो क्वेश्चन जो सेट किया गया है उस कंपनी की है, अब बच्चा क्यों भुगते? सीधी सीधी बात है ना। हाँ, अब एक ये भी होता है कि साहब देखो, जिन्होंने भी उन क्वेश्चंस के ऊपर आपत्ति लगाई थी उनको नंबर दिया जाए, ऐसा तो नहीं होता है। किसी भी भर्ती में देख लीजिएगा, कोई भी अगर ऑब्जेक्शन एक क्वेश्चन पर लग गया, अगर वो गलत पाया जाता है तो उसका फ़ायदा सभी को मिलता है। ऐसा ये माना जाता है कि हो सकता है कि जिस विद्यार्थी ने क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया उसने देख करके ही ये पहचान लिया होगा कि क्वेश्चन गलत है, इसीलिए उसने अटैम्प्ट नहीं किया हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और जो कोई अगर ट्राई कर रहा है गलत का भी कुछ ना कुछ लगा रहा है, सीधी सीधी बात है, मतलब उसने उसे ट्राई किया है, तो उसका फ़ायदा दोनों को ही मिलता है। तो कैंसिल वाला तो बात, ज़्यादातर आपके सवाल इसी को लेकर के थे। बोथ वाला सिस्टम तो एकदम क्लियर है, जहाँ पर पहले ए था या बी था, लेकिन फ़िलहाल में उन्होंने बता दिया है कि बोथ आ गया, मतलब वहाँ पर लिखा भी है कोष्टक में कि ए और बी, यानी कि मान समझ रहे ना मेरी बात को,
यानी दोनों ही ऑप्शन एकदम सही हैं, दोनों को ही मान लिया जाएगा। आप देखिएगा ज़्यादातर रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में या फिर जिनको लेकर के कन्फ्यूज़न वाली स्थिति होती है, यानी कोई भी भाषा हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी जनजाति हो, वो विशेषकर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ज़िले तक सीमित रहती है, एक राज्य तक सीमित रहती है, वो अलग अलग अन्य मतलब उसके आसपास के क्षेत्रों में भी सी मतलब उसमें भी बिखरी रहती है। तो इसीलिए ऑप्शन बोथ वाला जो होता है ना, वो काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन होता है, और बोथ वाले पर नंबर देना विद्यार्थी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा बहुत कन्फ्यूज़ होता है कि मैं लगाऊं तो लगाऊं क्या, यस ना, और ऐसे कन्फ्यूज़न वो कहीं तीसरा लगा देता है। तो बोथ का तो सबसे पहले नंबर मिलना चाहिए। तो बोथ का उन्होंने एग्जैक्टली बता दिया कि अगर आपका बोथ यानी कि कोई भी ऑप्शन है, बी और सी, ए और सी, ए और डी, मतलब अगर इनमें से है तो ज़रूर आपको नंबर मिलेगा। कैंसिल वाला मैंने आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके बताया है कि अब तक मिलता आया है तो इस भर्ती में भी मिलेगा, और क्यों नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। बाकी भर्ती UPSI हो या फिर आपके कांस्टेबल हो या जेल पुलिस हो, कोई भी हो यार, क्या इनके अंदर क्या अलग से किसी आयोग से सिफारिश मांगी गई थी, बताओ उनके अंदर ऐसा सब कुछ क्यों नहीं किया गया। फिलहाल में ये सिर्फ एक कल्पना है, एग्जैक्टली कुछ नहीं है, लेकिन संभावतः ऐसा आप देख पाएंगे कि आप उनको नंबर को ऐड करके ही चलें। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत बहुत विद्यार्थी होंगे जो सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ में एक क्वेश्चन की वजह से बाहर रह रहे होंगे। अब मान लीजिएगा अगर इस कैंसिल वाले इसका अगर नंबर नहीं दिया जाता है तो सीधे सीधे बच्चा तो बाहर हो जाएगा, उस इंसान की क्या गलती रही उसमें। तो ऐसे में नंबर 1% नहीं, 1000% मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, कोई भी संशय नहीं है, और मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोग बोल रहे हैं भैया रिजल्ट रिजल्ट, देखिए रिजल्ट को तो आपने देख रखा होगा, जब ऑफिशियल नोटिस आया था तो उस टाइम पर भी लिखा गया था, उसी में लिखा गया था जो आपका रिवाइज्ड आंसर की वाला था, कि बहुत जल्द आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट की एग्जैक्टली डेट क्या रहेगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपका स्कोर बढ़िया बन रहा है तो मुझे ऐसा भरोसा है कि आप अपना अब जो है रिजल्ट का इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। ज़्यादातर दुविधा में वो विद्यार्थी रहते हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं या सेक्शनल कट ऑफ के बॉर्डर पर हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी हो, अगर मैं भी आपकी जगह था तो मैं भी कन्फ्यूज़न में रहता था। तो ऐसे में वो स्थिति जो होती है ना, वो उनके लिए मायने रखता है कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए, और जिनका भी अच्छा स्कोर है तो वो फिर रिजल्ट का वेट क्यों करें। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के रनिंग से काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो आपको इस मतलब रेडियो ऑपरेटर में मिलेगा, ठीक है। वर्कशॉप हो, असिस्टेंट हो या हेड हो, तीनों के लिए एकदम जो है वो रेस का ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं रहेगा। मौसम भी अब सही हो रहा है, बारिश भी आपने देख रखा हुआ, किसी क्षेत्र में हो रही है, किसी क्षेत्र में नहीं हो रही है, तो ओवरऑल जो वेदर है वो इतना ज़्यादा अब लू नहीं चल रहा है, मतलब वेदर आपके फेवर का है। आप सुबह भी जल्दी जाकर के आराम से दौड़ लगा सकते हैं, और दौड़ का प्रयास, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप वार्म अप की तरह पर अपनी बॉडी को एकदम ट्रैक पर लाइएगा। बहुत ऐसे मेरे साथी होंगे जो अभी अभी हिम्मत हार रहे होंगे, दिए गए समय में भी वो रेस पूरी नहीं कर पा रहे होंगे, तो मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए मैं भी आपकी तरह ही गुजरा हूँ, मेरा भी फिजिकल मतलब दौड़ भाग इतना हाई मतलब क्या ही बताएं, मतलब इतना अच्छा नहीं है। तो आपके साथ में आपके गांव में जो आपके मित्र हैं या फिर जो दौड़ भाग करते हैं, तो आप उनका एक बार हेल्प लीजिएगा, उनको अपने साथ में रखिएगा। मुझे एक चीज़ें याद आ रही है, मैं आपको बता दूं कि जब ये मेरा रिज़ल्ट आया था तो उसके बाद में लगभग मुझे 14 या 15 दिन मिले थे, और उस टाइम पर 14-15 दिन ही मैंने दौड़ किया था। तो जो पहले दिन गए ना, तो आप सही बता रहे हैं, हम एकदम जो है वो सुबह दौड़ा दिए, हमारे दोस्त थे, दोस्त तो मतलब छोटा भाई, और उन्होंने जो है वो एकदम दोपहर में दौड़ा दिए। अब दोपहर में एक तरफ से ले गए हमको जो है 2 किलोमीटर दौड़ा करके, अब उधर से जब आए तो एकदम क्या ही बताएं, बोल गए, फेंपड़े फेंपड़े सब, इंजन विंजन कुछ नहीं चल रहा, हाथ पकड़ के रास्ते में एक पीछे से बाइक आया, मैंने कहा भैया तुम आ जाना, हम जा रहे हैं इस पे बैठ करके, तो ये स्थिति हो गई थी। तो आपके ऐसा नहीं होगा, और होंगे भी तो आप मुझसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, मतलब समझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ, और मैं मात्र 1 सेकंड से पास हुआ था, जिसका मुझे आजीवन जो है इस चीज़ का बड़ा ही गर्व रहेगा कि देखो जब किस्मत आपका साथ देती है ना मेरे भाई, तो 1 सेकंड 2 सेकंड भी आपके लिए जीवन बदल देती है। मुझे याद है जब फिजिकल के दौरान मेरा कानपुर जो है PSC लाइन में हुआ था फिजिकल, और मेरा पेपर वाराणसी हुआ था, और जब ये कानपुर हुआ था तो उस टाइम पर जब दौड़ भाग हो गया था, और भाई घड़ी ज़रूर लेके जाओ आप अपने फिजिकल के दौरान, घड़ी ज़रूर रखा करें, ठीक है। एक आती है 70 या 80 रुपये की आती है,
और उस टाइम देखो उसमें क्या होता है, आप टाइमर लगा सकते हैं और उसमें तीन चार तरह की रंग बिरंगी लाइट भी जलती है ना। ज़्यादातर आर्मी वाले जो विद्यार्थी स्टूडेंट होते हैं जो दौड़ भाग करने वाले, वो उस वॉच को रखते हैं, ठीक है। अगर वो शायद घड़ी ना होती तो शायद हमारा फिजिकल नहीं निकल पाता, ठीक है। उस घड़ी का बहुत बड़ा रोल था, जब भी हम दौड़ करने जाया करते तो उस घड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि उसमें सेकंड टाइम टाइम एकदम है ना, काउंट काउंटडाउन चलता रहता है। तो वो बेस्ट घड़ी है, आराम से ले सकते हैं, कोई महंगी घड़ी नहीं है, और वो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया था उसने। ऐसा हुआ था जब हम राउंड लगा रहे थे तो हमको 12 चक्कर लगाना था, और 12 चक्कर में हमें जहाँ तक याद है, हाँ याद गया सही है, 400 मीटर का एक राउंड था। और जब हमारा 10वां चक्कर हो गया था तो हम ये भूल गए थे कि हमारा 10 हो गया है या फिर 9 हो गया है। लेकिन जब हमने घड़ी देखा तो हमने ये देखा कि यार हमारा जो एक राउंड होता है ना 400 मीटर का, वो लगभग 2 मिनट के आसपास आता है, लगभग 2 मिनट के आसपास आता है, ठीक है। तो ऐसे में हमने देखा तो हमारा लगभग जो है वो 23 मिनट से ऊपर का टाइम हो चुका था। तो मतलब हमको ये पता था कि भाई लगभग जो है हमारा टाइम अब ख़त्म होने वाला है, और ये हमारा जो है वो लास्ट राउंड है। तो उससे हमको पता चला था, नहीं तो हम एग्जैक्टली भूल ही गए थे कि कौन सा राउंड है। और लास्ट मोमेंट पर उस घड़ी की वजह से हमने पूरा दम लगाया था, पूरा जितना बचा हुआ था पूरा, और इसी की वजह से हम 1 सेकंड से बच गए थे, समझ रहे ना। सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा जी जो वहाँ पर अटेंडेंस ले रहे थे, उन्होंने हमको बुलाया, और मतलब शुरुआत में जो एक एक दो दो सेकंड से बचे थे उनको अलग कर दिया। और मोस्ट ऑफ टाइम सभी को ये लग रहा था यार हमारा तो रह गया, हम तो खुद ही मान चुके थे कि यार हम तो फेल हो गए भाई, घर पर कुछ बोल के आएंगे एकदम जो लत्ता उड़ा देंगे, भूत बना देंगे और 5 सिंह तोमर बन जाएंगे भाई साहब। लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है अब, लेकिन नहीं हुआ यार। तो उसके बाद में जब उन्होंने हमको बोला कि जाओ बाहर जाके और थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करते हैं, एकदम भूखे भूखे से तुम दिखाई दे रहे हो, कुछ खाते पीते नहीं हो, चलो जाओ समोसा और कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। तो मैंने कहा यार एक तो हमको लग रहा है सोच रहा हम फेल हुए हैं कि पास हुए हैं, ये क्लियर ही नहीं पता, और ऊपर से दावत और मांग रहे हैं, सब जाना पड़ा हमको, जाओ भाग के जाओ। तो भैया उधर से जो है 2 कोल्ड ड्रिंक मतलब ठंडा की, तो जो हम कोल्ड ड्रिंक लेके आए और जो है 8-10 समोसे लेके आए, 3-4 लोग थे, लेकर के उनको दे दिया, खा पी करके बोले कि अब तुम जाओ। भाई साहब ये बता तो दो हम फेल हैं पास हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो इधर आओ। तो उन्होंने साइन करवाना होता है, ठीक है। तो उस लिस्ट पर जब साइन किया तो सबसे पहले मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ ये देखा मेरे नाम के लास्ट में सफल लिख रहा है कि असफल लिख रहा है। तो देखा कि सफल लिख रहा है, फिर उसने कहा कि तुम्हें पता है तुम पास तो हो गए हो, लेकिन ये पता करो तुम कितना टाइम से पास हुए। तो उसने बताया कि तुम सिर्फ 1 सेकंड से जो है बचे हो, अगर 1 सेकंड भी ऊपर या पल्स भी ऊपर हो जाता तो आप फेल हो जाते। ऐसे काफ़ी विद्यार्थी थे जो एग्जैक्टली 25 मिनट हो चुका था, 2-3 पल्स ऊपर हो गया था और वो फेल हो गए। तो इसलिए हिम्मत मत हारना मेरे भाई, हम सही बता रहे हैं, हम ज़्यादा मोटिवेट नहीं करते, लेकिन रियल है जो अपनी है ना, जो है अपनी गुजरी है वो आपको बता रहे हैं। शुरुआती दौड़ में पहले ही चक्कर में हम एकदम बोल गए थे, मतलब क्या ही बताएं, 100 मीटर चलने के बाद में हम एकदम मन से हार गए थे कि भाई दौड़ अब नहीं होगा। लेकिन पीछे से क्या था, हमने 14-15 दिन लगाया था उसी टाइम में, तो हमको वो चीज़ें याद थी कि हो जाएगा। चलिए अपना आप ध्यान रखिएगा, फिजिकल की आप तैयारी करिएगा, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।